नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में अब जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए घूस देने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा आपका काम। जी हां, बिहार में जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए अब लोगों को घूस देने या फिर अंचल कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नीतीश सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जमीन के म्यूटेशन के मामले में रिश्वतखोरी की शिकायतों से परेशान नीतीश सरकार ने इसका नया उपाय ढूंढ निकाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर बिहार सरकार जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए नई सुविधा बहाल करने जा रही है। लोगों को जो नई सुविधा मिलने जा रही है उसके मुताबिक अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, जमीन के नए मालिक को सप्ताह के अंदर म्यूटेशन का कागज मिल जाएगा और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आरजेडी ने दरभंगा जिला अध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव में भीतरघात का आरोप। जी हां, अपने दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीक को पाला बदलने से रोकने आरजेडी ने कार्रवाई की है। आरजेडी ने अपने दरभंगा जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। राम नरेश यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सिद्दीकी को हरवाने की बात कर रहे थे। चर्चा यह है कि खुद लालू प्रसाद यादव ने सिद्दीकी को मनाने की पहल की थी, इसके बाद कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के पाला बदलने की चर्चा आम थी। अगले 4 साल में बिहार को मिलेंगे 17 नए पुल, गंगा कोसी कर्मनाशा और सोन पर हो रहा है निर्माण। जी हां, राज्य में गंगा कोसी कर्मनाशा और सोन पर अगले सालों में 17 नए पुल बनाए जाएंगे। इसमें से गंगा नदी पर 13, कोसी नदी पर 2, कर्मनाशा और सोन नदी पर एक एक पुल शामिल है। इनसे जहां सड़क यातायात की सुविधा बढ़ेगी, वहीं आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। इन पुल परियोजना में केंद्र सरकार की भागीदारी है। इनमें कई पुलों का जिक्र गुरुवार को कोइलवर पुल के 3 लेन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। लालू की किडनी सिर्फ 25% कर रही है फंक्शन, डॉक्टर बोले कभी भी खतरनाक हो सकती है स्थिति। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने इस पर चिंता जताई है और संबंधित विभागों को इस बारे में सूचित कर दिया है। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स में इलाजरत है। उन्होंने बताया कि लालू की किडनी मात्र 25% ही काम कर रही है। सुशील मोदी ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, चारों सदन का मेंबर होने का हासिल किया गौरव। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इससे पूर्व राज्यसभा के लिए पूर्व से निर्वाचित भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह व उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सीमा ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मोदी ने मीडिया से कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संसद के दोनों सदनों में काम करने का मौका दिया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में वे बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में उप सभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्री धारवाड़ चंद्र गहलोत भी उपस्थित रहे। मनोज तिवारी के गांव अतरवलिया में बनेगा स्टेडियम, जमीन के जुगाड़ में जुटे हैं सांसद। जी हां, दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कल कैमूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मेरे गांव अपने अतरवलिया में एक स्टेडियम बने। जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय मनोज तिवारी ने सचिन तेंदुलकर का अपने गाँव में घर के पास मूर्ति लगवाया था और वहाँ मंदिर बनाने की बातें भी कही थी। साथ ही अपने गाँव में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना दिखाया था, जिससे कि वहाँ पर नेशनल मैच खेला जा सके और गांव के युवाओं को प्रतिभा निखर सके। मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेडियम के लिए जमीन के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। हमारे यहां किसान अपने जमीनों से बहुत प्रेम करते हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं।
बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 596 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सबसे अधिक नए मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 240 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 14, बेगूसराय में 13, गया में 15, गोपालगंज में 62, जहानाबाद में 17, मुजफ्फरपुर में 19, नवादा में 17, शिवहर में 15 और सीतामढ़ी में 17 मरीज मिले हैं। वहीं वैशाली में 7, सुपौल में 5, शेखपुरा में 2, मुंगेर में 2, मधुबनी में 2, लखीसराय में 2 और बक्सर में 8 मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में शिक्षकों ने रैली निकालकर भिक्षाटन किया, कहा जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। कोरोना के कारण सबसे खराब स्थिति छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान की है, वे भुखमरी के कगार पर है। इसको लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षा बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसके बाद रैली निकाल भिक्षाटन किया, शिक्षकों की ओर से नारे लगाए गए, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। संयोजक विकास शुक्ला ने बताया कि सांकेतिक भिक्षाटन के माध्यम से सरकार और शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकृष्ट कराया गया है। सभी स्कूल कोचिंग को तत्काल प्रभाव से खोलने, संस्थानों को कोरोना काल का आर्थिक पैकेज मुहैया कराने और स्कूल के बसों का टैक्स, बिजली बिल और सभी प्रकार के शुल्क माफ करने की मांग की गई है। नौकरी लेने का अच्छा अवसर, रेलवे 1,40,000 वैकेंसी के लिए 15 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। जी हां, रेलवे में आवेदन कर चुके लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे के 21 रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहा है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। रेलवे ने इसके लिए देश भर में बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1,40,000 वैकेंसी के लिए 2,44,00,000 लोगों ने आवेदन किया है। रेलवे 15 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया कोरोना महामारी के चलते रोक दी गई थी। रेलवे ने परीक्षा संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। परीक्षा देने वालों को मास्क पहनकर ही आना होगा। साथ ही एक घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया है और उनको कोरोना नहीं है। जो परीक्षार्थी डिक्लेरेशन नहीं देंगे उनको परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार बोर्ड छात्रों को पुरस्कार में देगा मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन, वॉच, जानिए क्या करना होगा। जहां बिहार बोर्ड राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बीएसबी क्रॉसवर्ड अभ्यास प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। सही उत्तर देने वाले हर जिले के प्रथम 10 विद्यार्थी को प्रत्येक सप्ताह बिहार बोर्ड पुरस्कार देगा। सत्र की समाप्ति पर राज्य में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन व स्मार्ट वॉच दिए जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशन ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करने के उद्देश्य से क्रॉसवर्ड अभ्यास सत्र 12 दिसंबर से 12 जनवरी 2021 तक कराया जाएगा। डाकघर खाते में भी मिनिमम बैलेंस हुआ अनिवार्य, ₹500 से कम बैलेंस पर यह जुर्माना। जी हाँ, डाकघर में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आज से आपको मिनिमम बैलेंस का भी ख्याल रखना होगा। अब बचत खाते ₹500 बैलेंस से कम होने पर ₹118 का चार्ज देना होगा। ये तय किया गया है कि 11 दिसंबर 2020 के बाद से जिन खातों में इन धनराशि से कम रकम होगी उन्हें बतौर मेंटेनेंस चार्ज ₹118 देना होगा। यदि राशि शून्य मिली तो खाता बंद भी हो सकता है। साथ ही डाकघर में अब नए खाते भी न्यूनतम ₹500 जमा करने पर ही खुलेगा, जबकि पहले डाकघर में बचत खाते केवल ₹50 में खोले जाते थे। मैट्रिक इंटर एग्जाम को लेकर बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला, अब ऐप से की जाएगी सेंटर की निगरानी। जी हां, बिहार बोर्ड ने आगामी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड द्वारा अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के दौरान ऐप से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड ने यह फैसला परीक्षा में धांधली को रोकने के मकसद से किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली हर एग्जाम की निगरानी अब विशेष ऐप से किया जाएगा। ऐप को सभी जिले के डीओ सहित आला अधिकारी से जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में बोर्ड इसके लिए परीक्षण कार्यक्रम भी चलाने की तैयारी में है।
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज टू परीक्षा 7 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20 सत्र के स्टेज दो की परीक्षा 7 फरवरी को ली जाएगी। एनसीईआरटी ने इस परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। कोविड-19 के कारण स्टेज दो की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। यह परीक्षा 10 मई को होने वाली थी। ज्ञात हो कि एनटीएससी के स्टेज दो की परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा ली जाती है, वहीं स्टेज एक की परीक्षा संबंधित राज्य के एससीईआरटी द्वारा ली जाती है। इसकी जानकारी एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बिहार की बात करें तो एनटीएससी स्टेज दो की परीक्षा में 736 परीक्षार्थी शामिल होंगे। स्टेज एक की परीक्षा एससीईआरटी द्वारा नवंबर में ली गई थी। इसमें 12,801 परीक्षार्थी प्रदेश भर में शामिल हुए थे। ज्ञात हो कि 10वीं में पढ़ने वाले छात्र एनटीएससी में शामिल होते हैं। स्टेज दो की परीक्षा में सफल विद्यार्थी को 11वीं और 12वीं में सालाना 12,000 छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके बाद स्नातक से पीएचडी तक यूजीसी नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य में सुअर खरीदने के लिए बिहार सरकार देगी 80% अनुदान, करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, सुअर खरीदने के लिए बिहार सरकार 80% अनुदान देगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन करने में संबंधित विकास मित्र सहयोग करेंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सुअर पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए यह योजना लागू की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 3,60,00,000 की स्वीकृति भी दी गई है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि एक लाभुक को 2 मादा और 1 नर सुअर खरीदने के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। 3 सुअर की अनुमानित लागत 18,000 आकी गई है। 900 रुपये बीमा पर खर्च होंगे। इस तरह सुअर खरीदने के लिए 18,900 का 80% अर्थात 15,120 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लाभुक को सिर्फ 3780 रुपये स्वयं लगाने होंगे। बिहार में पहली बार ऐसी परीक्षा जहां गुरुजी बने बीएड परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को तांडव से भागे भिक्षक, पुलिस ने की डबल ड्यूटी। जी हां, गुरु नहीं, गुरु घंटाल की परीक्षा बन गई शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी बीएड की परीक्षा। इसके परीक्षार्थियों ने ऐसा हंगामा किया कि परीक्षक ड्यूटी से भाग खड़े हुए। एक केंद्र पर परीक्षा नहीं होती तो सभी जगह का मामला अटकता, इसलिए आनन फानन में सुरक्षा ड्यूटी के लिए बुलाए गए पुलिस कर्मियों के हाथ में ही परीक्षक की ड्यूटी थमाई गई। एक हाथ में हथियार और दूसरे में परीक्षार्थियों के लिए कॉपी की ऐसी तस्वीर बिहार में पहली बार सामने आई वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर में। जी हां, आरा के महाराजा कॉलेज में चल रही बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के तीसरे दिन शुक्रवार को पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। अगले दिन शिक्षकों ने ही परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्र छात्राएं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश कर गए। इसी बात से नाराज होकर शिक्षकों ने परीक्षा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि कई शिक्षक छात्रों के हंगामे के डर से परीक्षा ड्यूटी छोड़कर चले गए। आज का सवाल, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।